फिरोजाबाद में मां कामाख्या देवी एवं श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मक्खनपुर में खाटू श्याम बाबा मंदिर का निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है। मंदिर का कार्य 80% पूरा हो चुका है। आज मंदिर की सड़क का भूमि पूजन सांसद पुत्र डॉक्टर ललित जादौन और मक्खनपुर चेयरमैन गीता देवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सितम्बर माह में बाबा की स्थापना होगी। हालांकि यहाँ खाटू धाम से ज्योति लाई गई है जो मंदिर में विद्यमान होगी। यहाँ पर महीने की एकादशी को कीर्तन कराया जाता है। मंदिर परिसर में भूमि पूजन के बाद सभी श्याम प्रेमियों ने भजनों का आनंद लिया। इस दौरान मक्खनपुर मंदिर के ट्रस्ट राजेंद्र सिंह बघेल, रंजीत सिंह बघेल, अशोक सिंह, अरुण कुमार, प्रदीप कश्यप और शशिकांत सैनी, मन कुमार, गणेश कुमार और सारे श्याम प्रेमी निज मंदिर सेवक प्रदीप कश्यप, शशिकांत आदि मौजूद रहे। आज यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? खाटू श्याम बाबा के मंदिर में सभी भक्तों ने आज हाजिरी लगाई है। सभी खाटू प्रेमी खाटू धाम जाते थे और जाते हैं और जाते रहेंगे, और बार बार जाना संभव नहीं होता, तो इसलिए सभी भक्तजनों ने मिलके खाटू धाम से यहाँ ज्योति लाई है और ज्योति का यहाँ विद्यमान हो गई है। सभी लोग यहाँ ज्योति से धर्म लाभ उठाएंगे। और ये पीछे मंदिर का प्रांगण विशाल भव्य बन चुका है और इसमें लगातार कार्य जारी है। उसी मंदिर के लिए एक सड़क निर्माण होने जा रहा है, उसका आज भूमि पूजन हुआ है जिसमें माननीय सांसद जी के द्वारा होना है सारा कार्यक्रम। सितंबर में बाबा का आगमन होने जा रहा है और सितंबर में बाबा जी का आगमन होने जा रहा है, बड़े धूमधाम से होगा ये। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? जी आज यहाँ खाटू श्याम बाबा का कार्यक्रम किया गया है और सड़क का निर्माण किया गया है। माननीय सांसद जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ है और खाटू नरेश जी का भक्त द्वारा कार्यक्रम किया गया है। कि आज हमारे ललित जादवन प्रतिनिधि के नेतृत्व में आज उद्घाटन किया गया रोड का। हमारे इनके बाबूजी डॉक्टर चंद्रसेन जादवन जी के नेतृत्व में सड़क बनाई जा रही है और बाबूजी खाटू श्याम मंदिर का उद्घाटन उनके नेतृत्व में अनिल जैन जी ने किया था। इसका मंदिर बहुत ही बढ़िया बनेगा, सभी नगर पंचायत मक्खनपुर के लाभ उठाएंगे इस मंदिर का। अच्छा, मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? लगभग मंदिर का जारी है, सितंबर तक बिल्कुल मंदिर क्लियर होने का प्रयास सभी लोग लगे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।